से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे वीरेन पहाड़ी, सीधे पहाड़ से। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। ओके, लेट्स गो। सो हे गाइस, वी आर गोइंग टू कालिंका ट्रिप। सो और हमारे साथ में हैं करण भैया और हैं हरीश ताऊ जी, और मैं बैठा हूँ पीछे मिड में। तो इतना अमेजिंग मौसम हो रहा है ना कालिंका का, क्या मजा आएगा आज यार, बाय गॉड, सच में। और यहाँ पे लोकप्रिय विधायक श्री महेश सिन्हा जी का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है मैठाणी में। और इस चौकी ठीक कालिंका मंदिर के नीचे पड़ता है, 2 किलोमीटर ऊपर कालिंका है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और देखते रहिए वीडियो, ठीक है। तो अभी ले चलते हैं आपको ऊपर को, कालिंका मंदिर को। कालिका मंदिर का, और अभी हम हैं विधायक जी के साथ। और यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं के ठीक बीच में पड़ता है मंदिर, तो यहाँ पर कुछ काम ही हो पाते हैं, इसके चलते यहाँ पर हमारे विधायक जी महेश जीना जी ने यहाँ पर घोषणाएं करी हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर आज जाना हो रहा है। आप देख सकते हैं श्रृंखित कालिंका का मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अभी हमें लगा था बारिश ना हो जाए, लेकिन वेदर इतना, क्लाइमेट बिल्कुल ऑसम हो रहा है। ज्यादा धूप भी नहीं है, मतलब हल्की है धूप और थोड़ी चढ़ाई है, उस वजह से थकान लग गई है। अभी हम तो आगे आगे आ गए ब्लॉक किचन से, तो सब लोग पीछे आ रहे। सो अभी मंदिर काफ़ी ऊपर है, ऊपर जाना अभी वो सामने है, यहाँ जाना है। अभी बहुत चढ़ाई है और करण भैया जा रहे हैं, आज कोई फ्रेंड लोग नहीं है, अकेले हूँ। सो फाइनली मैं मंदिर के बहुत ही करीब पहुँच गया हूँ और काफ़ी चढ़ाई देख सकते हैं हम नीचे को, सीढ़ियाँ। OMG, थकान होगी, बहुत टाइम से चला नहीं चढ़ाई में। और ये मंदिर के प्रांगण में हमने कदम रख दिए हैं, धीरे धीरे कदमों से चलते हैं। ये देखिए मंदिर का नज़ारा, अत्यधिक मंदिर का गेट ये। कालिंका मंदिर, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य बिल्कुल बीच सीमा पर पड़ता है। और अभी यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, अब दिखाता हूँ आपको पूरा कालिंका मंदिर का दृश्य कैसा है मंदिर, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पर पड़ता है, और बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर और बहुत ही हाइट में है। सो अभी यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे, काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ। सो अभी हाथ मुँह धोते हैं और फिर चलते हैं मंदिर के प्रांगण में, ठीक है। माताओं के चरणों में चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। ऊंचा नीचा डन काना हरी हरी जंगल, ऊंचा नीचा डन काना हरी हरी जंगल, मंदिरों में म्याले लाग झंझरे मंगल, मंदिरों में म्याले लाग झंझरे मंगल, मैं मंदिरों प्रसाद ले रही हूँ अपन मन में, ओ अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ, अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ।
पिटंगक सुर सुर संगीत आह। कालिंगा माता को बताता है, कोई भी यहाँ पर टीका लगा के ऐसा आता तो पता चल जाता है कालिंगा मंदिर हो क्या है। आप देख सकते हैं मेरे सर पर। और अभी विधायक जी बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं हमारे बीच। यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी ज्यादा भीड़ हो रही है और कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग ऊपर हैं, ऊपर फील्ड है। अभी आपको वहाँ पे भी ले चलूंगा। ये मंदिर से नीचे को दृश्य नजारा बहुत ही खूबसूरत। काफी हाइट में है ना मंदिर, इस वजह से यहाँ पे काफी हवा चल रही है अभी ठंडी ठंडी। तो आपको अभी ग्राउंड का एरिया दिखाता हूँ। ये है ऊपर हम जा रहे हैं ग्राउंड एरिया में। यहाँ से ठीक पीछे को गढ़वाल जाना है और यहाँ से आगे को ठीक कुमाऊँ पड़ता है। और ये मंदिर यहाँ पे मेला भी लगता है दिसंबर में। फाइनली दोस्तों विधायक जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है कालिका मंदिर समिति द्वारा और लोगों द्वारा। दोस्तों अभी माननीय विधायक श्री महेश जीना जी के द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें कि कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय विधायक जी ने पर्यटक से विभाग से कहकर यहाँ पर करीब 82.68 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर सौंदर्यीकरण करने के लिए कालिका मंदिर को स्वीकृत कराई है और वो आप फ्यूचर में देख सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं कालिका मंदिर से नीचे मेन गेट पे वापस। और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।